हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग हलवाई वाली रेसिपी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू फिंगर बनाने के लिए सबसे पहले 4 आलू मैंने लिया है। इसे काटना है, इसे कट करेंगे, चौरस शेप में इसे कट करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। इस तरह से इसके चारों साइडें निकाल देनी है। ये कुल चौरस पीस होना चाहिए, आलू फिंगर चौरस ही पीस बनता है। अभी इसको ऐसे कट करना है चौरस शेप, अब इसे हम आलू फिंगर के शेप में काटना है, कुछ इस तरह से 4 पीसेस करेंगे। एकदम पीस एकदम बराबर का होना चाहिए, कुछ इस तरह से इसे हम कट कर लिए ये आलू फिंगर के शेप में। इस तरह से अब इसे हम पानी में डाल के धो लेंगे। इसको धोने के बाद में इसमें धोने के बाद में इसे हम दूसरे बाउल में निकालेंगे। इसे दूसरे बाउल में निकालने के बाद में इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे जीना माटो 1 चम्मच। इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पूरा नमक का। इसके बाद 1/2 चम्मच जीरा, इसके बाद 1/2 चम्मच अजवाइन, इसके बाद थोड़ा सा येलो कलर, इसके बाद थोड़ा रेड कलर, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा कलर सभी आलू पे चढ़ जाए, सभी पीसेस पे। उसके बाद में हम इसे निकाल लेंगे दूसरे बाउल में, क्योंकि जो इसका पानी होता है इस पानी को हमें वेस्ट जाना है। इसको ये इस पानी इसमें पानी निकलता है, नमक डालने की वजह से इसमें पानी निकल जाता है। इसके बाद डालेंगे थोड़ा बेसन, थोड़ा सा अरारोट, उसके बाद में इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें थोड़ा सा सूखा है तो इसमें थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद थोड़ा मिक्स कर देंगे इसको। इसके बाद में इसमें दूसरे बाउल में मैं ले रहा हूँ ब्रेड क्राम। ब्रेड क्राम इसके बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए होता है। इसको डालेंगे ऊपर, इसके लगाएंगे ब्रेड क्राम कुछ इस तरीके से, और इसमें हम दूसरे प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद में हम इसको फ्राई करने के लिए, गैस का टेम्परेचर पूरा लो पीस पे होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह इतना सेका होगा उतना टेम्परेचर में इसे डाल देंगे। अब टेम्परेचर हमारा बिल्कुल सही है, इसमें मैं डाल रहा हूँ आलू फिंगर्स कुछ इस तरीके से। इसके बाद में इसका गैस का फ्लेम तेज़ कर देंगे। उसके बाद में इसको हम हिलाएंगे, कुछ इस तरीके से ये पूरा क्रिस्पी बनेगा हमारा। आप देख रहे हो एकदम गैस का फ्लेम तेज है, इसलिए पक रहा है। पूरा क्रिस्पी बनाने के लिए हमें गैस का फ्लेम तेज ही चाहिए। अब देख सकते हैं ये हो चुका है और मैं इसको अब निकाल रहा हूँ इस तरीके से। इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से, आप देख सकते हैं एकदम पका हुआ है, बढ़िया लग रहा है देखने में। देख सकते हैं ये आलू भी पूरा हमारा पक चुका है और क्रिस्पी भी पूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम मैंने लगा दिया था। ये वीडियो अच्छी लगी
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।